हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कम्पिटिशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ सेंटर पर जो रीमेडिकल हो रहा है उस पर क्या हाल चल रहा है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को अब तक ग्रीन कार्ड मिल चुका है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को अब तक परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है। तो जितने भी आपके डाउट हैं आई थिंक इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। इस दिन कैंडिडेट को मेडिकल के दौरान DNS का पॉइंट मिल चुका था और जिन्होंने अब अपना ऑपरेशन करा लिया है तो उनके लिए क्या कोई वहाँ परेशानी होने वाली है, और जिन कैंडिडेट को मेडिकल के दौरान अब वेट में पॉइंट मिल चुका था उनके पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या फिर नहीं, आपको कितने दिन का वहाँ समय लग रहा है, तो कितने दिन का आपको वहाँ अरेंजमेंट करके ले जाना है। तो आई थिंक जितने भी आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं चंडीगढ़ सेंटर पर। तो आप यहाँ से देख पाएंगे मेरा चंडीगढ़ री मेडिकल था अम्बाला रैली वाला। तो जिन भाई का जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है, अम्बाला में रैली हुई थी इनकी और इनका जो री मेडिकल हुआ था चंडीगढ़ में हुआ था। जब मैंने इनसे पूछा आपका जो मेडिकल पॉइंट था, जब उन्होंने अपना मेडिकल दिया था तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट मिल गया था, तो आप यहाँ से देख पाएंगे ओवरवेट का। तो इनको ओवरवेट में पॉइंट मिल चुका था तो अब मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। तो इन भाई को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, और थैंक्स भी जिन्होंने अपना समय निकाल कर अपना रिव्यू शेयर किया। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जब मैंने इनसे पूछा अपना रिव्यू दोगे तो वहाँ बोला हाँ। तो आप यहाँ से देख पाएंगे भाई मारी 35 की रिपोर्टिंग थी। तो कुल मिलाकर जिन्होंने जिस दिन रिपोर्टिंग किया था 35 की रिपोर्टिंग थी, 35 में से 4 ओवरवेट और 2 अंडरवेट के थे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 35 में से 4 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि ओवरवेट वाले थे और 2 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि अंडरवेट वाले थे। ये एक ही पॉइंट था मेरे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जिन कैंडिडेट ने रिव्यू शेयर किया है केवल इनको एक ही पॉइंट था ओवरवेट का। 5 कैंडिडेट के वेट के साथ साथ किसी का DNS और किसी के आई के साथ पॉइंट थे। तो जिन 6 कैंडिडेट हो गए कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 कैंडिडेट हो चुके हैं जिनको वेट में पॉइंट था, 4 इनमें से ओवरवेट वाले थे, 2 अंडरवेट वाले थे, और 5 ऐसे कैंडिडेट रहे थे केवल इनको ही छोड़कर जिनको 2 पॉइंट थे, किसी को DNS का था साथ साथ में वेट के साथ साथ और किसी को आई में पॉइंट था। फिर हमारे एक तो फॉर्म करवाए, तो आप यहाँ से एक दिन तो इनको फॉर्म ही भरवाने में लग गया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। फिर हमसे एक दिन तो फॉर्म ही भरवाई, तो इनको केवल जो इन्होंने पहले दिन एंट्री की तो पहले दिन का फॉर्म ही बहुत सारे फिल कराए थे, इनको एक दिन फॉर्म ही फिल कराने में लग गया था। अगले दिन हमारी वेट चेक किया गया, तो अगले दिन इनका वेट चेक किया गया, हम 4 ओवरवेट और 2 अंडरवेट को ग्रीन कार्ड मिला क्योंकि हमने मिनिमम 8 किलो वज़न कम किया और उन्होंने वज़न बढ़ाया जो अंडरवेट के थे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो 6 कैंडिडेट थे जिनको केवल और केवल वेट में पॉइंट था उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जिन कैंडिडेट का ओवरवेट में पॉइंट था उन्होंने मिनिमम 8 किलो वज़न अपना कम किया, और जिन कैंडिडेट को ओवरवेट में पॉइंट था उन्होंने कम किया, जिन कैंडिडेट को अंडरवेट में पॉइंट था उन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया है, और जिन कैंडिडेट को जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की आप यहां से देख पाएंगे 8 किलो वज़न अपना घटाया, इतनी सारी मेहनत की और इनका अपना मेहनत का जो परिणाम है अपना अवश्य देखने को मिला है और अपने फेवर में ही देखने को मिला है। यदि आप ऐसे ही मेहनत करोगे तो आपको भी अपने फेवर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जिन कैंडिडेट को आगे आने वाले समय में अपना रिपोर्टिंग करने वाले हैं री मेडिकल में, तो मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें। यदि आपने जिन कैंडिडेट को ओवरवेट में 5 किलो इन्होंने वज़न कम कर लिया है, जिनको ओवरवेट में पॉइंट मिला था तो उनको डेफिनेटली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और जिन कैंडिडेट को अंडरवेट में पॉइंट मिला था और जिन्होंने अपना बहुत सारा मेहनत की है और वो जज करेंगे इस कैंडिडेट ने इतनी मेहनत की उसको वैसे ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा वहाँ से। बस वो वेट के अंदर मेन में वो वज़न देखते हैं कि कैंडिडेट में कितने घटाया और अंडरवेट वालों ने कितने बढ़ाया। आप यहाँ से देख पाएंगे इन्होंने यही बात बोली आगे, ओवरवेट वालों में वही यही देखेंगे कि इस कैंडिडेट ने मिनिमम कितना वज़न किया है, और जिन कैंडिडेट को अंडरवेट में पॉइंट था उन्होंने मिनिमम कितना वज़न बढ़ा लिया है। मेरे हिसाब से जिसमें अपने मेडिकल के पॉइंट थे 5 kg बढ़ाया या घटाया तो ग्रीन कार्ड मिल गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने अपना 5 किलो वज़न यदि इनक्रीज़ किया है, जिन कैंडिडेट का अंडरवेट में पॉइंट था और जिनका ओवरवेट में पॉइंट था उन्होंने कम किया है, तो उनको डेफिनेटली वहाँ से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो मैंने जब इनसे पूछा कि ग्रीन कार्ड तो इनको मिल चुका है, DNS वालों का क्या हुआ, तो इन्होंने बोला DNS वाले 3 दिन लगवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 DNS जिनको पॉइंट मिल चुका है उनको 3 दिन का समय लगने वाला है। आज एक दोस्त का हुआ तो उसको रेड कार्ड मिला, उसने 25,000 रुपये का ऑपरेशन भी करवाया था। आप यहाँ से देख पाएंगे इनका एक दोस्त था जिसका जो DNS में पॉइंट मिल चुका था मेडिकल के दौरान,
तो री मेडिकल में जब इनकी चेकिंग की गई DNS पॉइंट की, तो इनको दोबारा से अनफिट कर दिया गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, कुल मिलाकर इनको 3 दिन का भी समय लग रहा है, और कुल मिलाकर इन्होंने 25,000 रुपये का ऑपरेशन भी करवा चुके थे ये कैंडिडेट, और इनको रेड कार्ड मिल चुका है फिर भी। तो आई थिंक आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आप अभी आप अधिक से अधिक मेहनत करें, और अगली जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें आप ट्राई करें, डेफिनेटली आपको भी ग्रीन कार्ड मिल पाएगा और आप भी डेफिनेटली बेलगांव जा पाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा आगे का कोई अपडेट हो तो बताना, तो उन्होंने बोला कि वहीं से इनको भेज दिया गया था, क्योंकि इन कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका था और वहीं से इनको भेज दिया गया था। जैसे ही आगे का कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा। जो कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा क्या कुछ हाल रहा है। अब तक मैं कानपुर का भी रिव्यू शेयर कर चुका हूँ री मेडिकल का, वहीं जैसलमेर का भी शेयर कर चुका हूँ, और जो भी यहाँ का रिव्यू देखना चाहता है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो थैंक्स, जय हिंद।